नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। BAPS द्वारा निर्मित यह हिंदू मंदिर बेहद भव्य और विराट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश से बाहर एक बार फिर बड़े हिंदू मंदिर का PM मोदी ने उद्घाटन किया है। इसके लिए PM मोदी मंगलवार दोपहर 2 दिन के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे थे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान गले मिले। अबू सुरक्षा क्षेत्र में स्थित यह हिंदू मंदिर 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना है। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर इस बार फिर तैयार हुआ। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी पिछली सदी में चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक होते जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, जल सुरक्षा हो या ऊर्जा सुरक्षा हो, बात करें तो शिक्षा सुरक्षा या समाज को भी समावेशी बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों को बंधी हुई है। साथियों, सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। हमने उनको जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। आज इसी का परिणाम है कि आज हम फिनटेक में, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं। हमने विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। हम भारतीय महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। कानून बनाकर हमने भारत की महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन भी दिया है। हम आज भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलीवरी और सैचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहे हैं। सैचुरेशन की अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं, सरकार खुद उस तक पहुंचे। गवर्नेंस के इस मॉडल में भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाइश समाप्त हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मॉडल की बड़ी भूमिका रही है। साथियों, जब सरकारें पारदर्शिता को प्राथमिकता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरण है। आज भारत के 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी है। लोगों की ये डिजिटल आइडेंटिटी उनके बैंक्स, उनके मोबाइल सब
इंटरकनेक्टेड है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिस्टम डेवलप किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। इस सिस्टम की मदद से हमने बीते 10 साल में 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए हैं। ऐसा करके हमने करप्शन की बहुत बड़ी गुंजाइश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है। हमने देश के 33 बिलियन डॉलर से ज्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 19 फरवरी को पेश होने के लिए भी कहा है। इससे पहले भी ईडी 5 समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था। किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी बीच टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ से गुजरने वाले ट्रक चालक भी इस समस्याओं से परेशानी हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा गया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर लोगों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर बॉर्डर से गुजरने वाले लोग हों। हर किसी को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इस बीच हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर हैं, और टिकरी बॉर्डर पर कुछ ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो दिल्ली से बॉर्डर पार करने के तैयारी में थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें रोक लिया गया और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से यहीं पर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा और आखिरकार क्या क्या उन लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है और कहाँ से आए थे भाई साहब? हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए थे खाली करके। कहाँ जा रहे थे? भरने जा रहे थे सर। तो आप यहाँ पे, आपको रोका गया है, कितने समय से आप रुके पड़े हैं, क्या समस्या आ रही है? 4 दिन हो गए सर, 4 दिन से इधर ही खड़े हैं। ना नाना है, ना धोना है, सारी परेशानी है। लेटरिन बाथरूम कोई सब परेशानी, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। खाने में जाते हैं सारा, वो बोलता है तुम्हारा ठेका ले रखा है खाने का, ऐसे बोलता है वो। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जब आपको यहाँ रोका गया तो कुछ बताया गया होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया। गाड़ी साइड लगा के चाबी छीन ली हमसे, चाबी छीन ली, कुछ नहीं बोला। क्यों रोका है क्या नहीं, कुछ भी बता के नहीं दिया, कुछ बता के नहीं दिया। कहाँ से आप, कहाँ से आए? अलवर से, राजस्थान से। तो यहाँ से आप किस तरफ जा रहे थे? हम यहाँ जा रहे थे बादरगढ़। तो क्या बोल करके आपको रोका गया, कुछ बताया? हमको तो उन्होंने कही है कि खाली 2 घंटे गाड़ी खड़ी कर दो, बस फिर बाद में चल रहे हैं। चाबी छीन ली हमारी गाड़ियों की, अब ना तो नहाने की सुविधा है, ना लैट्रिन की सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। कितने दिन से आप लोग हैं? 4-5 दिन हो गए आज। तो खाना पीना कोई सुविधा नहीं? सुविधा तो है, जैसी है वैसी नहीं है। बेइज्जती करता है, थाली हाथ में छीन लेता है, कोई ठेका ले रखा है, 2 रोटी दूंगा 4 रोटी दूंगा साले, ऐसे कहता है ये बात। तो ये ट्रक आपका खुद का ही, आपका मतलब यहाँ पे चला देते हैं? हम तो, हमारा चक्का चलेगा तो तनखा है ही नहीं इसमें, तब जो पैसे बढ़ेंगे बच्चे इनको। तो आपको वो जो मालिक हैं वो आपको कुछ मालिक फोन नहीं उठा रहे हमारे, मतलब उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं? नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया। तो क्या बता करके आपको रोका गया, तो कुछ बोला गया होगा आपको, बताया गया होगा जानकारी? बोले थे 2 घंटे के लिए बस, जब से खड़े करवा दिए 4 दिन हो गया। तो अभी तक कोई समस्या कुछ, मतलब नहीं कोई समस्या? सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है? सुविधा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सुविधा नहीं, क्या सुविधा दे रहे हैं? ना तो नहाने को मिल रहा है, ना तो खाने को मिल रहा है, इसलिए रोड पे भटक रहे हैं। वैसे अभी तक आपको पता चल पाया कि आपको यहाँ रोका गया है, क्यों रोका गया है? नहीं, ये तो बोले थे 2 घंटे के लिए, बस 2 घंटे से आज 4 दिन हो गया यहाँ खड़े हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जब जिनकी भी आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रेशर आता होगा? किस तरीके से उस दौर को संभाल रहे हैं? सर, मेरी अपनी गाड़ी है, मैं खुद अपनी गाड़ी को आप चलाता हूँ। मेरी गाड़ी की मंथ की 95,000 किस्त है, 14 चक्का मेरी गाड़ी है। अपना मैं बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूँ तो इसी गाड़ी से कर रहा हूँ। अगर मेरा 4 दिन यहाँ टूट गया तो 4 दिन और टूट गया तो किस्त कवर नहीं होगी महीने की। अगर यहाँ से माल लेके जाऊँगा तो अपना वहाँ से खाली करूँगा तो किस्त भर भरूँगा मैं अपनी। यहाँ आके ना हम खड़े कर लिए हैं, ना कोई हमारा रीज़न बताया है, ना हमारे कोई ऐसे बताया कि आप इसलिए खड़े करे हो। यहाँ साइड में लगवा रखा है दिल्ली पुलिस वाले ने,
पर हमने कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे ना खाने के हैं, ना नहाने धोने के, ना लेटरिन बाथरूम के, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हम इसमें सामान लेके जा रहे हैं, हमारा मतलब कच्चा सामान है, मध्य प्रदेश भोपाल जिले का राजधानी का है, और सीजन आ रहा है शादियों का, शादियों का पूरा सामान रखा हुआ है, इसके अंदर कच्चा मटेरियल है, हमने लोगों का ऑर्डर ले रखा है, हम उनको टाइम पे दे नहीं पाएंगे सामान तो हमें हमारे साथ बहुत जुल्म ढाएंगे वो लोग। ठीक है, तो आप आनिए मानिए इनसे, जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है उनसे आप थोड़ा हमारा आवाज़ पहुँचाइए। वो ट्रक ड्राइवर हैं जो टिकरी बॉर्डर से आगे अपने अपने गंतव्य स्थान पर जब निकलने की तैयारी में थे, कुछ किसी के ट्रक में कोई सामान है, कुछ कच्चा सामान भी है जो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। लगभग जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले चार दिनों से ज़्यादा का समय हो गया और अभी तक ये लोग यहीं पर हैं, और पुलिस प्रशासन ने इनका जो तमाम जो सामान गाड़ी की चाबी है वो अपने पास रख ली और जबरन उनको यहाँ एक तरीके से रोक दिया गया, और सुविधा के नाम पर अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में ये ट्रक ड्राइवर कहीं ना कहीं अपने लिए लगातार न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी में आखिर सपा के स्वामी ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर अखिलेश ने शालीग्राम को पूजा, उधर स्वामी का इस्तीफा सामने आया है। हालांकि सपा के व्यवहार से आहत स्वामी का कहना है कि वो पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और उनके बयानों को पार्टी निजी बयान बता रही है, इसलिए इस्तीफा दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी तो बेलाल, मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है, उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। पहले ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अब स्वामी प्रसाद मौर्य। सुना आपने, फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और अखिलेश की अगली प्रतिक्रिया पर अगला फैसला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर और चिट्ठी बम से समाजवादी पार्टी को हिला दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल नाराज हैं। अखिलेश यादव जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे लोकसभा चुनाव की बैतरणी पार करने की कोशिश में है, पल्लवी उसी पर सवाल खड़े कर रही है। उनका आक्रोश बच्चन रंजन यानी जया बच्चन और आलोक रंजन पर भड़का है। सवाल कर रही है कि राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों में पीडीए कहाँ है। देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि दलित पिछड़ा मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज, तो ये जो उम्मीदवार है इसमें पीडीए कहाँ है। मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए, तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतीक नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य का आक्रोश भी सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसके बाद भी उनके विवादित बयानों से हमेशा पार्टी किनारा करती रही। ऐसे में वो सवाल कर रहे हैं कि दलित पिछड़ों को जोड़ने के लिए वे जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं राज्यसभा चुनाव के समय में उनके इस्तीफे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान देखा नहीं गया, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहा था कि कहीं वो नाराज तो नहीं चल रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी का कारण राष्ट्रीय महासचिव पद के अधिकारों को लेकर जताया है। उनके बयानों को निजी बताए जाने पर वो आहत दिख रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के स्तर पर उनका पक्ष न लिए जाने को लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा और आदिवासी समाज को सपा से जोड़ने में वो कामयाब रहे और सपा के वोट बैंक में इजाफे के लिए दिया गया बयान निजी कैसे हो सकता है। हालांकि महासचिव के अधिकार और निजी बयान बताए जाने के मसले पुराने हैं, ये अचानक से इस्तीफा क्यों हुआ, इस पर सपा के ही नेता आईपी सिंह की राय बेहद दिलचस्प है। उन्होंने तो स्वामी को बीजेपी का ही एजेंट बता दिया, वहीं सपा के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने तो स्वामी को चैलेंज तक दे डाला।
और कह दिया कि सिर्फ पद से ही क्यों, हिम्मत है तो पार्टी से इस्तीफा देकर दिखाओ। ये ड्रामा है इस्तीफा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, ये लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। और जो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के पद से, विमर्शी तो बने रहेंगे। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा और कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे, परसों बना दिए जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन MLC से रिजाइन दे तब मैं मानूंगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये दोनों लोग मिले हुए नहीं है। चुनाव सिर पर है और अखिलेश यादव को अपनों की ओर से चोट पर चोट मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस डैमेज का कंट्रोल अखिलेश यादव कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड में ईडी की जांच के बाद मिलने वाले सबूतों के साथ ही ईडी का आरोप है कि पूर्व सीएम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही ईडी को मिले सबूतों से बैंक्वेट हॉल का भी जिक्र सामने आया है, जिसके बाद से ईडी का कहना है कि जांच में अधिकारियों से लेकर कारोबारियों तक कार्रवाई जारी है। तो अब देखना यह है कि आखिर ईडी की जाँच की लपटें कहाँ तक पहुँचती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ हर बार कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी रिमांड बढ़ती जा रही है, तो वहीं मुश्किल की दूसरी वजह है मामले की जांच कर रही ईडी के हाथ लगते सबूतों की। ईडी ने सोमवार को आरोप लगाया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि सोरेन कथित तौर पर अपने द्वारा अर्जित की गई जमीन के बारे में जानकारी देने के इच्छुक नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुश्किल तब ज्यादा बढ़ गई जब एजेंसी ने अदालत को बताया कि सोरेन और उनके कथित करीबी सहयोगी विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट में एक बैंक्वेट हॉल का जिक्र है, जिसे रांची के बड़गाई क्षेत्र में 8.5 एकड़ जमीन पर बनाने का प्रस्ताव था। ईडी का आरोप है कि ये अचल संपत्ति सोरेन द्वारा अवैध रूप से अर्जित है। एजेंसी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का विनोद सिंह के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट को लेकर सामना कराया जा रहा है, जिसमें अचल संपत्तियों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है। इसने कहा कि सोरेन संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए व्हाट्सएप चैट संबंधी बातों को स्वीकार करने से भी इनकार कर रहे हैं। ईडी ने कहा, विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच व्हाट्सएप चैट की जांच से 6 अप्रैल 2021 को विनोद सिंह द्वारा हेमंत सोरेन को प्रस्तावित बैंक्वेट हॉल के बारे में साझा की गई योजना मानचित्र की पहचान हुई है। उक्त योजना में उल्लेखित प्रस्ताव बैंक्वेट हॉल का स्थान उक्त 8.5 एकड़ भूमि से मेल खाता है, जो अवैध रूप से अधिग्रहित की गई। वहीं एजेंसी ने पूर्व में आरोप लगाया था कि जांच शुरू होने के बाद जमीन का उक्त टुकड़ा राजकुमार पाहन नाम के एक व्यक्ति को वापस कर दिया गया था। इसने कहा कि सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने से जुड़े संपत्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए उनकी ईडी हिरासत बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। एजेंसी ने कहा कि मामले में 7 फरवरी को तलाशी ली गई और नए सबूत सामने आए हैं। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में जमीन के 3 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि इन कारोबारियों में कोकर के अयोध्यापुरी निवासी रमेश गो, रातू रोड निवासी आर्किटेक्ट सह जमीन कारोबारी विनोद सिंह और हिलेरियस कश्यप शामिल हैं। बताया जाता है कि छापेमारी में इनके ठिकाने से जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। साथ ही ईडी को कुछ जगहों से
प्रतिबंधित जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित कागजात भी मिले हैं। सभी दस्तावेजों की ईडी जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर तीनों ही आरोपितों को बारी बारी से बुलाकर ईडी उनका बयान भी दर्ज करेगी। यानी झारखंड में ईडी जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गड़े काली परत को ढूंढने की जांच की आंच जमीन कारोबारी से लेकर अधिकारी तक पहुंचने की उम्मीद है। और यही सब वो परते हैं जिसके खुलने के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना ये है कि ईडी की जांच में केस से जुड़े कितने खुलासे होंगे, जिस केस पर पड़ी धूल को आईने की तरह साफ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी उसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस धरपकड़ करती हुई नजर आ रही है। जिस सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ था उसे लेकर सीएम धामी ने बड़ा निर्णय लिया है, और सिर्फ निर्णय ही नहीं लिया बल्कि उस निर्णय पर इम्प्लीमेंट भी किया है। यानी कि पुलिस थाने बनाने की घोषणा पर 24 घंटे के भीतर वहां पर पुलिस चौकी खुल गई है और निकट भविष्य में भी वहां पर थाना खोला जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस माँ गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। तो ये है धामी। सोमवार को ऐलान हुआ, मंगलवार को पूरा हो गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जो हिंसा हुई थी उसमें आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस धड़ पकड़ करती हुई नजर आ रही है। जिस सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ था उसे लेकर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया, और सिर्फ फैसला ही नहीं लिया बल्कि उस फैसले पर इम्प्लीमेंट भी किया। यानी कि पुलिस थाने बनाने का ऐलान किया पर 24 घंटे के भीतर वहां पर पुलिस चौकी खुल गई और आने वाले वक्त में वहां पर थाना भी खुल जाएगा। वैसे राज्य में नकल विरोधी कानून या नागरिक सम्मान संहिता कानून दोनों पर सीएम धामी ने कठोर फैसले लिए और उसे पूरा भी किया। हल्द्वानी हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए फैसले पर पुलिस विभाग ने भी पालन करते हुए वहां चौकी खोल दी। उपद्रव करने वाले आरोपियों को सख्त चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया गया है कि जो भी हिंसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि राज्य में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अभी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बोल रहा था तो मैंने उनको कहा कि आपने कितना काम किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रही है महत्वपूर्ण नहीं है, पर पब्लिक डोमेन में आपका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, शालीनता के साथ है, सहजता का साथ है, सहृदय के साथ है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। यहाँ एक तरफ बीजेपी धामी के धाकड़ फैसलों का दम भर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता सवाल खड़े कर सरकार की सोच को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये सरकार का विवेक है कि कहाँ चौकी खोले, कहाँ पुलिस थाना खोले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी तो बताएं कि आज घटना को घटे हुए इतने दिन हो गए, किसी भी अधिकारी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसी मेहरबानी क्यों है। सियासत अपनी जगह है मगर धामी के इस फैसले ने सियासत के तराजू पर जो लकीर खींचने की कोशिश की है उससे साफ है कि आने वाले वक्त में
ये लकीर लंबी खींचेगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।